सरहद तुझे तना, सरहद तुझे तना। हरिओम सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा तृतीय विषय संस्कृत तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्न 3 किम कुत्र अस्ति इति लिखतु, यानी किम कौन किसे क्या कहता है, ये अपन भी करेंगे। यथा जैसे उदाहरण में बताया हुआ है, सूर्य आकाश, सूर्य आकाशे अस्ति, तो हमें ठीक इसी प्रकार से अन्य वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। नंबर 1 पिता कार्यालय, तो इसका हो जाएगा पिता कार्यालये अस्ति। दूसरा आचार्य विद्यालय, तो आचार्य विद्यालये अस्ति। फलम वृक्ष, तो इसका हो जाएगा फलम वृक्षे अस्ति। जिस प्रकार तृतीय पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें इन सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। जैसे अगला धनम पेटिका, तो धनम पेटिकायाम अस्ति। सिंह वनम, तो इसका वाक्य हो जाएगा सिंह वने अस्ति। पुस्तकम स्यूत, तो इसका वाक्य हो जाएगा पुस्तकम स्यूते अस्ति। नौका जलम, तो इसका हो जाएगा नौका जले अस्ति। पुष्पम लता, तो इसका वाक्य हो जाएगा पुष्पम लतायाम अस्ति। सूक पंजरम, तो इसका वाक्य हो जाएगा सूक पंजरे अस्ति। मकर नदी, तो इसका वाक्य हो जाएगा मकर नद्याम अस्ति। तो अभी भैया बहन अपनी नोटबुक में तृतीय पाठ के अभ्यास 3 के संस्कृत वाक्य अपनी नोटबुक में करेंगे, और अगले कालांश में हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।